समर वेकेशन एंजॉय करने के लिए हिमाचल प्रदेश सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आज शिमला एंड मनाली का कॉम्बाइंड टूर प्लान, मतलब कैसे आप दोनों जगह एक साथ कवर कर सकते हो, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको हेल्प मिलता है तो लाइक करना, एंड जो लोग नए हो मेरे चैनल में सब्सक्राइब करना। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जनार्दन, आप देख रहे हैं टूर गाइड। तो दोस्तों कैसे जाए दोनों जगह एक साथ घूमने के लिए, आप पहले शिमला जाए, यही अच्छा होगा। दिल्ली, कलका या चंडीगढ़ से अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सब जगह से ही आप बस या टैक्सी बुक करके आप जा सकते हो। अगर कालका से आप अपना जर्नी स्टार्ट करते हो तो कालका से शिमला तक आप टॉय ट्रेन में भी जा सकते हो। दिल्ली से शिमला का डिस्टेंस 350 किमी, चंडीगढ़ से 110 किमी एंड कालका से 90 किमी। मेरे विचार में आप पहले कालका आइए एंड कालका से टॉय ट्रेन से शिमला जाए। लगभग 4 से 5 घंटे लगेगा शिमला पहुँचने में। 250 से 300 रुपये में आप टॉय ट्रेन में जा सकते हो, ये खूबसूरत एक्सपीरियंस होगा। सुबह सुबह कालका से यात्रा शुरू करके आप दोपहर तक शिमला पहुंच जाओगे। शिमला पहुंचने के बाद मॉल रोड एंड द रिज, ये दोनों जगह आप घूम सकते हो। अगले दिन आप शिमला का लोकल साइट सीन कर सकते हो। लोकल साइट सीन में आप देखिए स्कैंडल पॉइंट, झाकू टेम्पल, तारा देवी टेम्पल, राष्ट्रपति निवास, हिमाचल स्टेट म्यूजियम, चैटिक फॉल्स, ये सब कुछ आप पूरा दिन में 5 से 6 जगह आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट डे अब मनाली जाए। शिमला से मनाली का डिस्टेंस 250 किमी, लगभग 7 से 8 घंटा टाइम लगेगा। मेरे विचार में आप शिमला से मनाली बस में जाए, 500 से 700 रुपीस बस का फेयर होगा। शाम तक आप मनाली पहुंच जाओगे। नेक्स्ट डे आप कुल्लू एंड मणिकरण के लिए जाए, पूरा दिन लगेगा। दोनों जगह बहुत ही खूबसूरत है। अगले दिन स्नो पॉइंट के लिए जाए। मनाली में पूरा साल कहीं ना कहीं स्नो मिल जाएगा, जैसे माही, सोलांग वैली, रोहतांग पास। नेक्स्ट डे आप मनाली का लोकल साइट सीन करें। लोकल साइट सीन में आप जाए हिडिम्बा देवी टेम्पल, मोनू टेम्पल, क्लब हाउस, बोसिस टेम्पल एंड मनाली मॉल रोड, ये सब कुछ आप नेक्स्ट डे कर सकते हो। अगले दिन सुबह आप मनाली से डायरेक्ट चंडीगढ़ आए। मनाली से चंडीगढ़ का डिस्टेंस 300 किमी, लगभग 6 से 7 घंटा टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से आप बस में जाइए, बस का फेयर होगा 800 से 1000 रुपीज़ पर हेड। आप बजट कितना होगा दोस्तों इस प्लान का हिसाब से, शिमला में 2 नाइट स्टे होगा एंड मनाली में 3 नाइट स्टे होगा। मतलब स्टेशन से पूरा टूर कंप्लीट करने के बाद स्टेशन वापस आने तक आपका टोटल 5 नाइट एंड 6 डे लगेगा। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बस से जाए एंड घूमने के लिए कार रेंट कर लीजिए। 6 से 8 लोग ग्रुप करके जाए तो आपका पर हेड बजट होगा, कॉन्वीनियंस का बजट होगा। कालका से शिमला तक टॉय ट्रेन से 300 रुपीज़, शिमला से मनाली तक बस में 600 रुपीज़, मनाली से चंडीगढ़ तक बस में वापस आने का टाइम 1000 रुपीज़। शिमला एंड मनाली में घूमने के लिए कार से, प्राइवेट कार से खर्च होगा शेयरिंग बेसिस से 3000 रुपीज़ पर हेड। इसके बाद आता है होटल कॉस्ट। होटल का कॉस्ट होगा टोटल 5 नाइट के लिए लगभग 4000 रुपीज़ पर हेड एंड फूडिंग कॉस्ट आएगा 6 दिन के लिए 500 रुपीज़ पर डे हिसाब से 3000 रुपीज़, तो टोटल होगा आपका 11900 रुपीज़। लगभग 11 से 12000 में आप दोनों जगह एक साथ घूम सकते हो। अगर और भी कोई जगह इस पैकेज के साथ जुड़ना चाहते हो तो कर सकते हो, उसके हिसाब से बजट एंड घूमने का दिन बढ़ेगा। दोस्तों शिमला में आप मॉल रोड या द रिज के आसपास रूम ले सकते हो एंड मनाली में मॉल रोड के 1 किमी के सराउंडिंग में होटल लेना, क्योंकि मॉल रोड में थोड़ा बजट ज़्यादा होगा। होटल आप ऑनलाइन साइट से बुक कर लीजिए, जैसा गो आई बी गो, मेक माई ट्रिप और भी बहुत सारे हैं। एंड बस आप ऑनलाइन साइट से ही बुक करें, जैसा redbus.in या पेटीएम बस सर्विस या हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ऑनलाइन वेबसाइट से। तो दोस्तों इस समर में
शिमला एंड मनाली में छुट्टियां कटाइए एंड आपका शिमला मनाली का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना इंस्टाग्राम पर मैसेज करके। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर इस वीडियो में आपको कोई मदद मिलता है तो लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड जो जो नए हो मेरे चैनल में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए।